हैशटैग जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन पिछले कुछ समय से ट्विटर के ऊपर क्यों ट्रेंड कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं दीपक सिंह। पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो ट्विटर के ऊपर हैशटैग जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो ट्रेंड कर रहा है। इसकी वजह हमें लगता है कि हमने पिछले कुछ कवरेज में आपको ये बताया है कि JKCA के अंदर क्या चल रहा है। जो लोग 2 महीने के लिए लाए गए थे अब उन्हें 3 से 4 साल होने लगे हैं और वो लोग कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। कई जो यंग टैलेंटेड बच्चे हैं उनका भविष्य जो है वो ताक पर रख दिया गया है। और पिछले दिनों हमने आपको ये भी दिखाया था कि बच्चों ने जो उनके कप्तान हैं उनके खिलाफ ही मेमोरेंडम जो था वो JKCA के CEO को दिया था और उन्होंने कहा था कि इनको जो पावरें इनको जो शक्तियाँ दी गई हैं वो इनसे वापस ले लेनी चाहिए क्योंकि ये मनमाने फैसले ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ कप्तान ही नहीं मनमाने फैसले ले रहे, वहाँ पर बैठे जो CEO हैं उनके ऊपर भी यही आरोप लग रहे हैं कि वो भी मनमाने फैसले ले रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि हैशटैग जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन आखिर क्यों ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, इसके ऊपर हम पूरी जानकारी आपको एक बार फिर से देने जा रहे हैं। विस्तार से देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जो है वो हमें जरूर दें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आधुनिक दुनिया में ट्विटर जो है वो आम जनता का एक ओपिनियन जनरेशन पोल बन चुका है। हैशटैग जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन भी इस तरह की मुहिम है जिसके ज़रिए JKCA में कब्ज़ा करके बैठे और कानून के प्रोसीजन का दुरुपयोग कर रहे कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स CEO और ओम्बर्समैन के अगेंस्ट एक ओपिनियन जनरेशन जो है वो यहाँ की जनता ने भी करना शुरू कर दिया। आपको पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में एक बार फिर से शुरू से बताने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया इसी प्रकार से आती रहेगी। JNK हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की जजमेंटेड तारीख 13 अक्टूबर 2017 को जस्टिस आलोक आराध्य ने अपनी जजमेंट प्रोनाउंस करते हुए जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में 2 कमेटियों कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया था जिनका नाम था जस्टिस CK प्रसाद जो एट प्रेजेंट चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी हैं और जस्टिस SR आलम। और इनको निर्देश दिए गए थे कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने जस्टिस लोधा पैनल रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कराओ और जो 12 क्लब्स के डिस्प्यूट हैं उनको रिजॉल्व करने के बाद JKCA में अपेक्स काउंसिल इलेक्शन कंडक्ट करवाओ। जस्टिस आलोक आराध्य की जजमेंट के मुताबिक जो 12 क्लब्स के डिस्प्यूट थे उनको रिसॉल्व करने के लिए एक ओम्बर्समैन अपॉइंट किया जाएगा लेकिन उस ओम्बर्समैन का चयन जो है वो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ही करेगी। जस्टिस आलोक आराध्य की जजमेंट के मुताबिक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपने साथ कुछ JKCA के मेंबर्स भी साथ रखने हैं ताकि JKCA के क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ पर कोई फर्क ना पड़े क्योंकि जाहिर सी बात है कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है ये तो रिटायर्ड जजेस नहीं सिखा सकते। इन सब में गौर करने वाली बात यह है कि जस्टिस आलोक आराध्य की जजमेंट ने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को एक स्पेसिफिक टाइम दिया था 2 महीने का जिसके बेहतर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को JKCA में सारा काम कंप्लीट करना था लेकिन मसला दोबारा अपील में चला गया और JNK हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने भी जस्टिस आलोक आराध्य की जजमेंट को सही करार करते हुए अपहेल्ड कर दिया। JNK हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच लेड ऑफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने जब अपनी जजमेंट प्रोनाउंस की तो उन्होंने ओम्बर्समैन की अपॉइंटमेंट करनी बेहतर समझी और जस्टिस सैयद बशीरुद्दीन को ओम्बर्स अपॉइंट कर दिया गया ताकि वो 12 क्लब्स के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकें और JKCA बेहतर तरीके से काम कर सके।
डिवीज़न बेंच ने एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जिसका नाम सैयद आशिक हुसैन बुखारी है उसको JKCA का CEO बना दिया। अब एक बात तो कंफर्म है कि जस्टिस लोधा पैनल रिकमेंडेशन के हिसाब से क्रिकेट एसोसिएशन में CEO जो है वो MBA ग्रेजुएट होने चाहिए और एक टॉप मल्टीनेशनल कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ तक है उसमें कम से कम 5 साल CEO पद पर एक्सपीरियंस होल्डर होने चाहिए। लेकिन आशिक हुसैन बुखारी जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं उसको क्या सोचकर CEO बना दिया गया जो कि JKCA के एडमिनिस्ट्रेटर फाइनेंशियली काम देखेंगे, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। आखिर 6 दिसंबर 2017 को ये लोग JKCA में बैठ गए और तब से लेकर आज मार्च 2021 ख़त्म होने को आ रहा है लेकिन इनका यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। हमारा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ बच्चे जॉब्स के लिए तरस रहे हैं, खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तरस रहे हैं और वहाँ कैसे बाहर से आकर रिटायर्ड जजेस और पुलिस वाले जम्मू कश्मीर के बच्चों का खेल के पैसे लूट रहे हैं, ये बात हमें समझ नहीं आती। और कैसे हाई कोर्ट इस पर कोई संज्ञान नहीं अभी तक ले पा रही। जब एक टाइम पीरियड फिक्स था 2 महीने तो फिर क्यों ये लोग अभी तक कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं इन लोगों को कुर्सियों पर बैठे हुए और BCCI भी टेक ओवर करना चाहती है लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कुर्सियों से हटे नहीं हैं और अभी तक ये लोग कुर्सी पे बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सभी मेंबर्स ने BCCI को इस बात की शिकायत की थी कि कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स CEO और ओम्बर्समैन को आपने अपॉइंट तो कर दिया लोधा पैनल की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए लेकिन इन लोगों ने एफिलिएटेड मेंबर्स को ही डी एफिलिएट कर दिया और अपने आप को परमानेंटली JKCA में फिक्स करने के लिए CEO आशिक हुसैन बुखारी ने नए मेंबर्स बनाना शुरू कर दिए। JKCA के पुराने मेंबर्स ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मिकस क्यूरी को भी JKCA में चल रहे समस्याओं के बारे में समझाया और इसके कड़ा संज्ञान लेने के लिए मिकस क्यूरी ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन BCCI को भी इसका संज्ञान लेने के लिए गुजारिश की थी। तब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स इन BCCI ने इस बात का कड़ा संज्ञान लिया और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में बैठे कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को ईमेल के ज़रिए इतला दी और कहा कि आपने JKCA के मेंबर्स को बाहर निकाल कर गलत किया है और लिहाजा आप अपने संविधान को अमेंड करके उनकी मेंबरशिप्स वापस रिस्टोर कर दीजिए। लेकिन JKCA में बैठे रिटायर्ड जजेस और पुलिस वालों की शायद कुछ और ही मंशा थी और ही मूड था, इसलिए उन्होंने BCCI के अगेंस्ट BCCI के पैसे से न्यायालय में शायद BCCI के पैसे से न्यायालय में कानूनी जंग छेड़ दी और कहा कि हम ये नहीं करेंगे। लेकिन जब BCCI में इलेक्टेड बॉडी तामिल हो गई और BCCI की इलेक्टेड बॉडी को इस बात की शिकायत पहुंची तो BCCI ने तुरंत इस बात का कड़ा संज्ञान लिया और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस CK प्रसाद, जस्टिस SR आलम और CEO सैयद आशिक हुसैन बुखारी से तुरंत मुक्त करवाने का सोच लिया। BCCI ने अपनी वर्किंग बॉडी मीटिंग जिसकी तारीख 17/7/2020 है अपेक्स काउंसिल में डिसीजन लिया कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को BCCI खुद गवर्न करेगी अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडहॉक बॉडी और लिहाजा अपने वकील के ज़रिए उन्होंने हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में अपनी याचिका 9 सितंबर 2020 को दायर कर दी। लेकिन किससे पता था कि हाई कोर्ट में भी सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख ही मिलेगी। जाहिर सी बात है कि JKCA में जो लोग बैठे हैं
वो कोई आम लोग नहीं हैं और उनका इन्फ्लुएंस भी कितना होगा ये आप सोच सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच श्रीनगर में 9 मार्च 2021 को ये मैटर फिर से सुनेगी और देखते हैं इस बार क्या होता है। क्या जम्मू कश्मीर के बच्चों को क्रिकेट में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? जो क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी आवाज़ सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी? क्या पुराने JKCA के क्लब मेंबर्स को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या BCCI JKCA को टेक ओवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये देखते हैं। सोचिए अगर BCCI JKCA को टेक ओवर करती है तो कितना अच्छा होगा, कितनी डेवलपमेंट होगी जम्मू कश्मीर क्रिकेट में, क्योंकि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कई बच्चों का भविष्य जो है वो ताक पर लग गया है। कई बच्चे अभी ये सोच रहे हैं कि क्या उन्हें कभी मौका मिलेगा क्रिकेट खेलने का, कभी वो इंटरनेशनल खेल पाएंगे, नेशनल खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, इस पर उनका विचार चल रहा है, उनको माइंड में अब ये बात आ गई, क्योंकि बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये सभी बच्चे जो हैं जिनका भविष्य अभी दाव पर लग गया है उनके लिए परेशानी हो रही है। और यही एक कारण है कि ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, और हम ये चाहेंगे कि जो भी लोग ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के क्रिकेट में बेहतरी आए, जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं वो बेहतर करें, तो वो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।